हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक जयंती से पूर्व डेरा संत बाबा थारा सिंह धन गुरु नानक दरबार में इच्छा पूर्वक 40 दिन का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हमने मुलाकात की भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी यानी कि टिल्लू भाई साहब से। आइए आपको देते हैं इसकी पूरी जानकारी। ई वडे आईया तेरिया मेरे सतगुर जीओ की वडे आईया तेरिया मेरे सतगुर जीओ पीरां दा महापीर तू है फकर अवल फकीर तू है हासा भी तू नीर तू है रूदासल शरीर तू है सब पहना दा वीर तू है शुरू भी तू अखीर तू है वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह। बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहब की तरफ से उल्लासनगर और पूरी दुनिया की साथ संगत को ये विनती की जाती है इच्छा पूर्वक 40 दिन जो प्रोग्राम 27 सितंबर से 8 नवंबर तक 27 सितंबर से शुरू हो चुका है जिसमें सारी साथ संगत मिलके 13 जपजी साहब जी के पाठ करीबन पिछले 25 सालों से 24 सालों से ये पाठ दरबार साहब में रखे जाते हैं जिसमें 13 पाठ हिंदी में रखे जाते हैं। सारी साथ संगत आके दरबार साहब में पाठ पढ़ती है और गुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करती है। आप सारी साथ संगत को ये विनती की जाती है संगत में पाठ पढ़ने का बहुत बड़ा लाभ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो भी जपजी साहब जी का पाठ करेगा उसे जंतर मंतर कोई तकलीफ नहीं आएगी गरीबी जाएगी दुनिया की जो चीज़ें चाहिए आप जपजी साहब जी के पाठ से पा सकते हैं। गुरु नानक देव जी की एक अनमोल बाणी है जपजी साहब गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत जपजी साहिब जी के पाठ से होती है। अकाल पुरख की एक अनमोल बाणी है जपजी साहिब। सारी साथ संगत से ये विनती की जाती है संगत 40 दिन दरबार में आके पाठ करती है। कभी ऐसा दिन आता है हम कहाँ न कहाँ रह गए और हम लोग 40 दिन वो चालिया छोड़ देते हैं वो चालिया छोड़ना नहीं है आपको दूसरे दिन आके दो पाठ करने हैं पर ऐसा भी नहीं करना है भाई हम लोग आज आपने बोला है आप दूसरे दिन आके दो पाठ करना है। कभी ऐसे कोई मुश्किल आ गई कोई टाइम आ गया हम लोग पाठ नहीं कर पाए नहीं पहुंच पाए दूसरे दिन आके तीन पाठ करिए एक और ज़्यादा करिए गुरु नानक देव जी की बेमिसाल खुशियां प्राप्त करिए। ये समा जो आज निकल रहा है ये फिर हमारे हाथ में नहीं आने वाला है अगले साल जो होगा वो राज करेगा आज आपके हाथ में राज है गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है। तो सारी साथ संगत से ये जरूरी जरूरी विनती है जो भी संगत जपजी साहब जी का पाठ आके जरूर करे और गुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करे। 27 सितंबर से 8 नवंबर तक जपजी साहब जी के पाठ रखे गए हैं 5 अक्टूबर को भाई साहब मेहरवान सिंह साहब जी की 11वीं वर्षी मनाई जाएगी जिनमें संत बाबा चिमनजी सिंह जी लाल रात को 9 बजे 5 अक्टूबर कीर्तन दरबार द्वारा संगत को निहाल करेंगे। सारी साथ संगत से विनती है जरूरी इस प्रोग्राम सब में पहुँचें और 27 सितंबर से 8 नवंबर तक विशेष रूप से प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा जो पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से प्रभात फेरी का प्रोग्राम नहीं हो पाया है। तो सारी साथ संगत को विनती है ये दिन बार बार नहीं आते और गुरु नानक देव जी की खुशियां जरूर प्राप्त करें जपजी साहब जी का पाठ भी करें। अगर आप उल्लासनगर में नहीं रहते हैं जहाँ भी रहते हैं अपने घर में जपजी साहब जी का पाठ करें रोज रात को 2017 से दरबार में पाठ किया जाता है रात को 12:15 बजे से 12:15 बजे तक 2 जपजी साहब जी के पाठ होते हैं जिसमें दिन की एंड होती है 12:15 से 12:15 एक जपजी साहब 12 तक 12 से 12:15 2 जपजी साहब। 2017 से धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहब में जपजी साहब जी के पाठ होते हैं। सारी साथ संगत को विनती है वो 12 महीने 365 दिन होते हैं हम सारी साथ संगत को ये विनती करते हैं कि उसमें भी जो पहुंच सकते हैं जरूर पहुंचें। 3 बजे ऊपर दरबार से नीचे दरबार तक पालकी साहब निकाली जाती है जो 40 दिनों के लिए विशेष आयोजन किया गया है गुरु नानक जयंती के उपलक्ष में रात को 3 बजे पालकी निकाली जाती है 3:15 बजे जपजी साहब जी का पाठ होता है 3:30 बजे दिलीप मामा जी सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं सारी साथ संगत
के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। और 4:30 बजे से 5:30 बजे तक अमृत वेले कीर्तन दरबार लगाई जाती है। सारी साध संगत की बेनती है, ये रातें सोने के लिए नहीं है, ये रातें जागने के लिए। ये 40 दिन जो आते हैं, बहुत सारे सब लोग बोलते हैं गुरु को दसवंत दो, दसवंत पैसे का नहीं देना है, दसवंत समय का देना है। 40 दिन एक दसवंत है एक साल का, तो ये रातें 40 सोने की नहीं है। सब सारी रात प्रोग्राम दरबार साहब में चल रहे हैं। विशेष रूप से करीबन 40 से 50 हज़ार इन्विटेशन बनाए जा रहे हैं, जिनकी पैकिंग और सब सेवाएं चालू हैं। दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक जो भी संगत सेवा में लाभ लेनी चाहे, वो संगत जरूर दरबार साहब पहुंचे और सेवाओं का लाभ ले। और विशेष रूप से संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज, उन्हें भी विनती की गई है कि वो भी आखिरी 13 दिन जो प्रभात फेरी वाले होंगे, वो भी संगत संगत में हाजिरी भर के गुरु नानक देव की खुशियां प्राप्त कराएंगे आपको। विशेष रूप से हमारे बाजू में गार्डन है, वहाँ पे करतारपुर साहिब का एक सेट बनाया जा रहा है, जो अभी पाकिस्तान बॉर्डर पे शुरू कॉरिडोर शुरू हुआ है इंडिया से। तो सारी साध संगत की विनती है, ये करतारपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने शरीर छोड़ने से पहले 17-18 साल करतारपुर में रहे हैं, और एक अद्भुत नज़ारा है वहाँ का जो यहाँ पे आप संगत के लिए लगाया गया है। सारी साध संगत की विनती है, सभी प्रोग्रामों में हाजिरी भरकर गुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करें। बोल गुरु नानक देव की जय।